तो कैसा आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, आपका खुद का ही चैनल है, यहाँ पर आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पूरे फैक्ट के साथ मिलती है। तो भारत और चाइना, ये दोनों देश आपस में एक काफ़ी बड़े राइवल कंट्रीज है और एक दूसरे के साथ कम्पीट भी करते रहते हैं, ना सिर्फ बॉर्डर पर बल्कि इकोनॉमी के मामले में भी एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करते रहते हैं। और 2020 में इंडिया और चाइना के बीच में लद्दाख की साइड में एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पर दोनों देशों की जो मिलिट्री है आपस में क्लैश कर गए थे और यहाँ पर दोनों देशों को कैजुअलिटी मिली थी। हालांकि देखा जाए तो भारत को कम कैजुअलिटी हुई थी जबकि चाइना को ज़्यादा हुई थी, लेकिन चाइना इस चीज़ को कभी स्वीकार नहीं करता है। खैर, ये तो बात हुई मिलिट्री की, लेकिन इसी दौरान ही भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम भी उठाए थे जिससे चाइना को काफ़ी नुकसान पहुंचे, चाइना के अगेंस्ट जिताए थे, जैसे कि सैकड़ों एप्लीकेशन को बंद कर दिया था, जिसमें मशहूर एप्लीकेशन टिकटॉक, कैम स्कैनर और यूसी ब्राउज़र भी शामिल है। लेकिन इसके अलावा एक इंटरनली एक और कदम उठाया गया था, जी हाँ, यहाँ पर उठाया गया था रेलवे द्वारा, क्योंकि यहाँ पर एक चाइना की जो सरकारी कंपनी है उसको यहाँ पर सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था, लेकिन भारत सरकार ने ये क्लैशेज होने के बाद इसको टर्मिनेट कर दिया था, जिसकी वजह से अब ये सरकारी कंपनी चाइना की अब ये भारत से हर्जाना मांग रही है कि भाई फ़ाइन पे करो 443 करोड़ रुपए। तो क्या है ये पूरा मामला, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले न्यूज़ देख लेते हैं। तो फर्स्ट पोस्ट, व्हाई इज़ चाइनीज फर्म डिमांडिंग 443 करोड़ फ्रॉम इंडियन रेलवेज। 26 अगस्त का आर्टिकल है ये, चलिए आज इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि 2020 में भारत और चाइना के बीच हमें लद्दाख के बॉर्डर एरिया के पास दोनों आर्मी के बीच क्लैशेस देखने को मिले थे, जिससे हमें दोनों तरफ से कैजुअलिटी भी देखने को मिली थी। जहां पर भारत की बात की जाए तो ये बताया जाता है कि भारत की तरफ से 20 सैनिक मारे गए थे और चीन की तरफ से 42 सैनिक मारे गए थे। तो तब से दोनों देशों के बीच काफ़ी ज़्यादा एनिमिटी यानी कि दुश्मनी देखने को मिल रही है। और जब ये क्लैशेस सामने आए तो तब भारत ने चाइना के अगेंस्ट इंटरनली भी काफ़ी एक्शन लिया था, जिसमें सैकड़ों चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया गया था, जिसमें से सबसे मशहूर टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, कैम स्कैनर, ये बहुत सारी वेबसाइट और ऐप्स जो थे उनको बैन कर दिया गया था। और इसके अलावा भारत ने दूसरे स्टेप्स भी लिए थे, और इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप था चाइना की सरकारी रेलवे कंपनी CRSC रिसर्च एंड डिज़ाइन ग्रुप को दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को 2016 में मिला था, जिससे इस कंपनी को भारत में बन रही ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कानपुर और मुगलसराय सेक्शन के बीच में यानी कि 217 किलोमीटर के सेक्शन के बीच में सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम लगाना था। अब ये जो दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है वो पहले मुगलसराय था, लेकिन अब ये दीनदयाल उपाध्याय हो गया। तो ये 417 किलोमीटर का एक सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम लगाना था। इस कॉन्ट्रैक्ट को भारत सरकार ने तभी कैंसिल कर दिया था जब दोनों देशों के बीच लद्दाख में क्लैशेस देखने को मिली थी यानी कि 2020 में। लेकिन अब इस कंपनी ने भारत सरकार से ये डिमांड किया कि भारत सरकार उसे 443 करोड़ रुपए पे करे। और चाइना ने भारत से ना सिर्फ ये डिमांड की है कि वो 443 करोड़ रुपए पे करे, बल्कि चाइना इस मामले को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सिंगापुर भी लेकर चला गया है। आपको तो पता होना चाहिए कि जो भी मामले डील और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए होते हैं दो देशों के बीच में, वो सिंगापुर की इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में सुनवाई के लिए जाते हैं, और भारत और चाइना का मामला भी वहाँ पर गया है। तो चाइना ने यहाँ पर यह कहा है कि जो DFCCLIL यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन, जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बना रही है, उसने पैसे नहीं दिए, जितना भी काम हमने किया है ना उसके पूरे पैसे नहीं दिए, और इसके अलावा बहुत सारे जो काम के दौरान बहुत सारे इशू आए हैं, तो ये सब कहा है इसने, इस कंपनी ने। तो सारी बातें जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है। तो देखिए, भारत में रेलवे लाइन पर माल ढुलाई और पैसेंजर ट्रैवल दोनों एक ही रेलवे लाइन पर चलते हैं, लेकिन भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि रेलवे लाइन पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है, और ये रेलवे लाइन अपनी क्षमता से ज़्यादा ट्रैफिक को हैंडल कर रही है। इसके अलावा मालगाड़ियाँ भी इन्हीं रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल करती है, क्योंकि भारत को अपनी इकोनॉमी को भी तो मजबूत करना है ना, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा रेलवे लाइन पर मालगाड़ी भी चलानी पड़ेगी, क्योंकि सामान इधर से उधर लेके जाना है, लेकिन जिस स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ रही है, इस चीज़ से भारत सरकार काफ़ी परेशान भी थी कि क्या किया जाए। तो मनमोहन सिंह जब PM थे तो इस चीज़ पर मंथन किया गया और ये योजना बनाई गई कि जो सबसे ज़्यादा बिजी रेलवे लाइन है वहाँ पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जहाँ पर नई रेलवे लाइन इन पुरानी रेलवे लाइन के साइड बाय साइड बनाई जाएगी, और नई रेलवे लाइन पर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियाँ ही चलेंगी, जिससे एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन पर जो हैवी ट्रैफिक का बोझ है वो कम हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि ये है मालगाड़ी के जो रेलवे लाइन है, ये तो एक चलो एक सिग्नलिंग का सिस्टम बना रखा है, लेकिन इसके साइड में ये जो आप देख रहे हैं ये पुरानी रेलवे लाइन है। आप देख सकते हैं ये वाली जो रेलवे लाइन है ना, ये पुरानी वाली है, जिस पर
जिस पर अभी भी पैसेंजर ट्रेन चलती है। अब जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन जाएगा, बहुत सारी जगह पर बन भी चुका है, तो जो ये आप देख रहे हैं पुरानी लाइन, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर ट्रेन चलेगी, और ये जो लाइन आप नई वाली देख रहे हो ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियाँ ही चलेगी, जिसमें ना तो कोई मालगाड़ी के लिए स्टेशन होगा, इनके लिए सिग्नल भी अलग होगा, और इस पर ट्रैफिक जो है वो बहुत ही कम होगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसमें दिखाए गए हैं। एक तो है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो चलता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से, और ये जाता है गुजरात के वडलसार, सूरत, वडोदरा, महसाणा, पालनपुर, मारवाड़, अजमेर, फुलेरा, रेवाड़ी, दादरी से दिल्ली, और दिल्ली में जाके ये ख़त्म हो जाता है। इसको बोलते हैं इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसका बहुत सारा पार्ट अभी चल भी गया है। और जो दूसरा है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वो आप देख रहे हैं ना, वो रेड लाइन में जो चल रहा है, लुधियाना से जाएगा दंकुनी, जो बंगाल में है, और यही लाइन आपकी जाएगी। ये जो मामला जो सामने आया है ना, जो पैसे मांगे हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसको सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम लगाना था चाइनीज़ कंपनी को, वो कानपुर से लेकर मुगल सराय तो अब नहीं होगा, ये दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कहलाया जाएगा, क्योंकि अब इसका नाम चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कानपुर से लेकर इस लाल लाई लाइन के जाते हुए मुगल सराय जाना है। तो ये हो गया 417 किलोमीटर का पूरा ट्रैक, और यहीं पर ही सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम लगता था, जिसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था चाइनीज़ कंपनी CRSC को, जो यहाँ पर रेल लगाती। लेकिन 2016 में दिया गया था, 2020 में जब क्लैशेज आए थे उसके बाद भारत की सरकार ने इसको ख़त्म कर दिया था। तो सबसे पहले CRSC ने 279 करोड़ रुपए का डैमेज क्लेम किया था कि भाई हमें ये पेमेंट करो, लेकिन जब इन्होंने ये लगा कि ये कम है और भारत से और पैसे मांगने चाहिए, तो इस कंपनी ने 443 करोड़ रुपए का क्लेम मांग लिया भारत से। और इसके अलावा इस कंपनी ने बैंक डिपॉजिट भी वापस मांगा है। ये बैंक डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जब किसी कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो तब बैंक में कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का कुछ पैसा कंपनी से डिपॉजिट के रूप में ले लिया जाता है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है तो इस अमाउंट को वापस भी कर दिया जाता है। और अब ये कंपनी इस अमाउंट को वापस मांग रही है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो भी मांग रही है। लेकिन 2020 में हुए क्लैशेस के कारण सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के साथ साथ ही बैंक डिपॉजिट भी अपने कब्जे में ले लिया, यानी कि फॉरफिट कर दिया। चाइनीज़ कंपनी के इस क्लेम के बाद भारत ने भी रिस्पॉन्स किया और चाइनीज़ कंपनी पर शुरू में तो 71 करोड़ रुपये का क्लेम किया, लेकिन बाद में 234 करोड़ रुपये का क्लेम कर दिया। और यहाँ पर यह दलील दी गई कि इस कंपनी ने काम को ठीक से नहीं किया और काम को समय पर भी पूरा नहीं किया, जिससे भारत को नुकसान हुआ। क्योंकि देखा जाए तो सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को लगाना इतना बड़ा काम भी नहीं है कि वो 417 किलोमीटर पर लगाने के लिए 4 साल इस्तेमाल कर ले, क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना होता नहीं है ज़्यादा, सिग्नलिंग टेलीकम्युनिकेशन के इक्विपमेंट ही लगाने होते हैं, जिससे ट्रेन का जो सिग्नलिंग वगैरह ये सब चलता रहे, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन इन 4 साल के भीतर भी सिर्फ 20% ही काम हुआ था, 20% सिर्फ 4 साल के भीतर ही, और इसी वजह से भारत को यहाँ पर जो नुकसान हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। क्योंकि जैसे जैसे कि किसी कंस्ट्रक्शन की रफ्तार ज़्यादा बढ़ती है तो उस पर आने वाली कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, तो इस तरह से यहाँ पर भारत को नुकसान हुआ है। और अब चाइना ने ये कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना इलीगल है, और DFCCIL ने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो फॉलो ही नहीं किया है। और अब ये मामला चला गया इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट की बारीकियों को समझा जाएगा और ये देखा जाएगा कि इस मामले में कौन जिम्मेदार है। अभी तो यहाँ पर सारी चीज़ों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वे सब मंगाए जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो चाइना के लिए ये काफ़ी बड़ा रेलवे कॉन्ट्रैक्ट था, और रेलवे सेक्टर में ये कॉन्ट्रैक्ट चाइना का अब तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, जो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव भी था, जिससे इस चाइनीज़ कंपनी को सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन का काम करना था, जिसका कॉन्ट्रैक्ट इसे 2016 में मिला था। वैसे देखा जाए तो फ्रेट कॉरिडोर और भी हैं, दूसरी कंपनियां काम कर रही है, लेकिन अगर चाइना ये काम करता तो भारत में आगे चलकर बहुत सारे फ्रेट कॉरिडोर और भी बनने वाले हैं, साउथ में भी बनने वाला है और नॉर्थ ईस्ट साइड में भी बनने वाला है, तो वहाँ पर भी शायद इसको आगे कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता था, चाइनीज़ कंपनी इससे फ़ायदा उठा सकती थी, पैसा कमा सकती थी, लेकिन ये कैंसिल हो गया है। चाइना के लिए रेलवे का बिग मार्केट चला गया है, क्योंकि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, और वहाँ से आउट हो जाना चाइना के लिए ये काफ़ी बड़ी बात है। लेकिन सवाल ये आता है कि भारत ने ऑफिशियल रीज़न क्या दिया है इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने का। वैसे देखा जाए तो भारत ने ऑफिशियल रीज़न ये तो नहीं दिया है कि चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया तो इसके रिस्पांस में ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया है, बल्कि ये रीज़न दिया है कि चाइना ने बहुत ही घटिया काम किया है। 2016 में शुरू हुआ काम 2022 में सिर्फ 20% ही कम्प्लीट हुआ था, जिसकी वजह से टारगेट मिस हो गया और काम भी इस चाइनीज़ कंपनी का बढ़िया नहीं था। वैसे दिया जाता है ये डिप्लोमेटिक रीज़न दिया जाता है इस तरह से, क्योंकि अगर ओरिजिनल रीज़न देंगे तो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें जो दोनों देश एक दूसरे के ख़िलाफ़ करेंगे, तो यहाँ पर बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से भारत ने ये जवाब दिया है, और ये बिल्कुल सही भी है। 20% काम किया है भाई 4 साल में, अब आगे ये कम्प्लीट होने में कितना टाइम लगता है, और भारत को जो है इकोनॉमी अपनी मजबूत करनी है तो उसके लिए हमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तो तैयार ही चाहिए ना।
और इसके अलावा जिस जिस जगह पर काम हो रहा था वहाँ वहाँ पर इस कंपनी ने ढंग के रिसोर्सेज भी नहीं लगाए। फ्रेट कॉरिडोर TFFCIL के जो एम्प्लॉय है वो साइट पर विजिट के लिए जाते तो वहाँ पर ऑथोराइज पर्सन ही मौजूद नहीं रहता था और ज़्यादातर लोग एबसेंट ही रहते। तो इसके अलावा ये कंपनी के सामान को लगाने के लिए सामान भी ढंग से खरीद नहीं पा रहे थे, प्रोक्योरमेंट ही सही से नहीं हो पा रहा था इनका। और इसके अलावा भारत ने ये भी कहा है कि चीन भारत के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी शेयर नहीं कर रहा था, जैसे लॉजिक डिज़ाइन और इंटरलॉकिंग, और ये चीज़ें भी कॉन्ट्रैक्ट का ही हिस्सा थी जिससे ये वाला सिस्टम भारतीय रेलवे के दूसरे सिस्टम के साथ सिंक हो जाएगा और दोनों ठीक से काम करेंगे दोनों आपस में मिलकर। लेकिन चाइना ने ये टेक्नोलॉजी ही नहीं दी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि 2020 में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के बाद वो काम तो बचा हुआ होगा ना, अब वो काम कौन कर रहा है? देखिए, जब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया गया था तो कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर फिर से निकाला गया था और एक इंडियन कंसोर्टियम बनाया गया था जिसको लीड कर रही थी सीमेंस कंपनी, और ये सीमेंस कंपनी है वो जर्मनी की कंपनी है, लेकिन बाकी के इसमें मोस्टली कंपनी इंडिया की ही है। यानी कि इन कंपनियों ने इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर लिया और इसके लिए कीमत मिली इनको 494 करोड़ रुपये। जहाँ चाइना ने 4 सालों में सिर्फ 20% ही काम पूरा किया था, तो वहीं इस नए कंसोर्टियम ने सिर्फ 2 साल में ही 48%, यानी कि आधा काम पूरा कर। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि इस चाइनीज़ कंपनी की रफ्तार कितनी सुस्त थी और कितने घटिया काम कर रहे थे। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए @_ImranSiddiqui और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है @ImranSiddiqui। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेसियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।